नमस्कार, मैं प्रदीप गुप्ता, आप देख रहे हैं मीडिया श्रावस्ती न्यूज। आइए चलते हैं आज के कुछ खास खबरों की ओर। या कोरोना योद्धाओं पर अगर कोई भी व्यक्ति हमला करता है तो उसे 7 साल तक की सजा और 5 लाख तक रुपए तक का जुर्माना ये करने का हम इस संशोधन के माध्यम से इस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज भी कानपुर में कुछ लोगों ने दुस्साहस किया है और मैं पुलिस के अधिकारियों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो लोग भी पुलिस कर्मियों पर और मेडिकल की टीम पर हमला किए हैं उन सबको ढूंढ निकालिए। इन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई, न केवल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अभी तो आईपीसी की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ गैंगस्टर और एनएसए के तहत भी बहुत सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये लोग कोरोना कैरियर का काम कर रहे हैं, समाज में अव्यवस्था फैला रहे हैं और इस प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि जब जान को हथेली पे रखकर एक बड़ी टीम, मेडिकल की टीम, सुरक्षा की टीम, स्वच्छता कर्मियों की टीम, डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़ी हुई टीम, सैनिटाइजर से जुड़ी हुई टीम युद्ध स्तर पर 23 करोड़ जनता की सेवा में कार्य कर रही हो, मुट्ठी भर लोग अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करें इसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रभावी कार्रवाई करें ऐसे लोगों के खिलाफ और कार्रवाई करने में किसी प्रकार का संकोच न करें, इसके लिए स्पष्ट आदेश दिए गए हैं। जो भी दोषी होगा उन सब के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे और इन्हें एपिडेमिक एक्ट के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत आईपीसी की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत भी निरुद्ध करने के साथ साथ गैंगस्टर और एनएसए की कार्रवाई में भी इनके खिलाफ हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे।